ओके, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एनर्जी का एनर्जी का देख लिया था, इट इज सम ऑफ के ई प्लस पी, दोनों को ऐड कर देंगे और ये कांस्टेंट आ गया था, इसकी वैल्यू -13.6 ईवी होती है, इधर जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, दैट्स व्हाट वी आर यूज जस्ट नाउ। सो काइनेटिक एनर्जी इज मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, इफ यू सी द रिलेशन केयरफुली, तो काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के मॉड के बराबर पॉजिटिव होती, काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए मॉड, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी इतनी आ गई, हाइड्रोजन के लिए जेड वन पुट कर देंगे तो इतनी होती है। तो ये क्वेश्चन तो नहीं करेंगे, सिमिलर क्वेश्चन इज हियर। ये क्वेश्चन देखो, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हमने देखी थी, फर्स्ट एक्साइटेड दिया, ग्राउंड स्टेट को एन इज इक्वल टू वन बोलते हैं, फर्स्ट को एन इज इक्वल टू टू, सेकेंड को एन इज इक्वल टू थ्री, जो नंबर है एक्साइटेड स्टेट का उसमें एन बढ़ा दो, एक फर्स्ट है तो एन टू लिखो, है ना। तो -3.4 दी हुई है डायरेक्ट इसमें, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी +3.4, पोटेंशियल एनर्जी डबल हो जाएगी, है ना, -6.8 हो जाएगी। एंड सेकंड थर्ड पार्ट में पूछा है कि दोनों में से कौन सी चेंज हो जाएगी एनर्जी इफ द जीरो पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन समवेयर एल्स, तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन समवेयर एल्स, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कोर्स विल चेंज, काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन अनचेंज, टोटल एनर्जी विल आल्सो चेंज। कन्वेंशनली पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहाँ होती है, इन्फिनिटी पर जीरो लेके सारे डेरिवेशन किए जाते हैं, है ना, जैसे मैंने हम लोगों ने ये डेरिवेशन किया था -1/4πε0Q1Q2R, तो इनफाइनाइट पे जब लिमिट लगाई थी ना हमने, इनफाइनाइट से आर तक लाने में, तब ये रिजल्ट आया था, ठीक है। उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने देखा था बाद में, व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इफ पोटेंशियल एनर्जी टेकन टू बी जीरो इन ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, -27.2 होती है, डबल ऑफ टोटल एनर्जी, है ना, तो इसमें हम कितनी ऐड कर दें, इतनी ही ऐड कर दें तो जीरो हो जाएगी, सभी में उतनी ऐड करनी पड़ती है, सेकेंड ऑर्बिट में कितनी होती है पोटेंशियल एनर्जी, -6.8, तो उतनी ही ऐड करनी पड़ेगी, 20.4 आ गई, काइनेटिक एनर्जी डजंट चेंज, 3.4 दोनों ऐड कर दो, 23.8 ईवी विल बी द टोटल एनर्जी इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इफ पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन जीरो इन द ग्राउंड स्टेट। अगर इनफाइनाइट पे जीरो ली तब कितनी होगी, इनफाइनाइट पे जीरो ली तब टोटल एनर्जी कितनी होती है, तब उतनी रहेगी, ये जो पुरानी वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, है ना, कितनी आएगी, जितनी जितनी काइनेटिक एनर्जी उसका माइनस आ जाएगी। ऑलराइट, आफ्टर दैट आयोनाइजेशन क्या होता है, बाय द वे आयोनाइजेशन मींस इलेक्ट्रॉन को पूरा नॉकआउट कर दो, बाहर ही निकाल दो ऑर्बिट से, एटम से, एक्साइटेड एनर्जी सेकंड नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल में लेके जाओ उसको, है ना। दीज क्वेश्चंस ये हमने बाद में डिस्कस किया था, रेशियो ऑफ डायमीटर निकालना है वन फर्स्ट एंड फोर्थ ऑर्बिट का, डायमीटर का रेशियो एंड रेडियस का रेशियो सेम ही रहता है, फार्मूला क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, तो 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा 1/16। एरिया ऑफ द ऑर्बिट्स निकालनी है तो पाई आर स्क्वायर, है ना, R1/R2 का होल स्क्वायर, R1/R2 1/16 निकल रहा तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा 1/196। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पढ़ने से पहले हम लोगों ने फार्मूला डेरिवेशन देखा था, ये यहाँ पर ये 1/λ वाला फार्मूला कैसे आता है, एनर्जी डिफरेंस इनिशियल से फाइनल में आना है ना, तो इनिशियल जो है आउटर ऑर्बिट रहती, फाइनल इंटीरियर ऑर्बिट रहती, तो माइनस भी रहते तो इसमें यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा बाद में, तो फाइनल ऑर्बिट नंबर जो है प्लस हो जाता है, इनिशियल वाला माइनस ही रहता है, और ये सब कांस्टेंट क्या है, ये सब रिडबर्ग कांस्टेंट बन जाते हैं। यहाँ पे हमने एच एफ, एफ को सी बाई लैम्डा लिखा, एच एंड सी को इधर ले आए, है ना, दिस इज रिडबर्ग कांस्टेंट,
एंड इसकी वैल्यू 10^7 की ऑर्डर की होती पर मीटर। तो रेडबर्ग कॉन्स्टेंट इसका पूरे का यूनिट डायमेंशन क्या होगा, L^-1 है ना, बिकॉज मीटर पर मीटर है तो L^-1 आ जाएगा रेडबर्ग कॉन्स्टेंट का, ठीक है। और ये फार्मूला, इस फार्मूले से हमने डिफरेंट स्पेक्ट्रा देखे थे। सबसे पहले कौन सा डिस्कवर हुआ था, बामर सीरीज, ही वाज द स्कूल टीचर एंड उसने सबसे पहले नोट किया ये हाइड्रोजन को एनर्जी दी उन्होंने हाइड्रोजन गैस को, बाद में नोटिस किया कि उसमें कलर कलर उसमें से बीच बीच में विजिबल विजिबल लाइट दिख रही है। देन ही डिड द रिसर्च एंड फाउंड आउट कि ये इस तरह से होता है उसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा जो है बामर सीरीज कैसे मिलती है। सेकेंड ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन वापस आते हैं हायर एनर्जी लेवल से, है ना, तो इसमें बामर सीरीज में n इज इक्वल टू b, देखो इससे भी याद रखते हैं बामर सीरीज है ना, b अल्फाबेट 2 है और ये भी 2 है, देखो नंबर भी 2 है तो इंटीरियर किस ऑर्बिट में आएंगे 2 आएंगे, है ना, b से b लर्न कर लो। और n क्या होगा, 2 से हायर 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट, है ना। तो यहाँ से जो 3 से जब आता है 2 में तब अल्फा हाइड्रोजन सीरीज बोलते हैं, मतलब H अल्फा बोलेंगे सीरीज उसको, 4 से 2 में आएगा तो बीटा हो जाएगा, 5 से अगर आएगा वो गामा हो जाएगा, 6 से अगर आएगा तो डेल, 6 एंड डेल भी एक जैसा दिख रहा है, ये डेल है और ये 6 है तो थोड़ा सा रिकॉल करना इजी हो जाएगा। 6 से जो 2 में आएगा तो H डेल मिलती सीरीज, और ये सब विजिबल रेंज में। लिमिट किसको बोलते हैं, लिमिट ऑफ सीरीज, और सीरीज लिमिट मीन्स इनफाइनाइट से आएगा, सीरीज लिमिट इसलिए बोलते हैं इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट से मिनिमम वेवलेंथ मिलता है, क्यों, मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ उसका रेसिप्रोकल चलता है, तो मिनिमम वेवलेंथ, तो देखो मिनिमम इतना पॉसिबल है, वायलेट से थोड़ा कम ही है ये, लेस देन विजिबल है, थोड़ा सा अल्ट्रा वायलेट की तरफ जा रहा है ये, बट बाकी उसमें विजिबल ही मिलेंगे। देखो ये विजिबल है, ये वाला भी अल्फा अल्फा सीरीज विजिबल है ना, येलो से ऊपर है, ये वॉलेट से ऊपर है, ब्लू के आसपास है, गामा भी वॉलेट के आसपास है, ठीक है। और उसके बाद जो है बाद में इनविजिबल सीरीज भी पिकअप की गई बाद में, लाइमन ने जो है लाइमन सीरीज किया, जो फर्स्ट ऑर्बिट में आएंगे तो लाइमन सीरीज मिलती है, उसमें अल्ट्रा वॉलेट LUV लंकन है ना, तो जो पहला जो फाइनल ऑर्बिट है 1 और उसके बाद की ऑर्बिट n कैन बी 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट है ना, उसमें सीरीज लिमिट देखो 9, सीरीज लिमिट की जो वेवलेंथ बोलती मिनिमम वेवलेंथ 91.2 है, ये अल्ट्रा वायलेट की रेंज में, अपनी विजिबल रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है 400 से, है ना, ऑलराइट। और इसके बाद के जो है सभी इंफ्रारेड है, बिकॉज एनर्जी डिफरेंस कम हो गया, अभी क्वेश्चन में मैंने कैसे बताया सी आ रहा है यहाँ पे, तो ये 3 है, सी अल्फाबेट सी है, ये 3 है, 3 तो तुम्हें लर्न हो गए होंगे, बाकी 2 याद कर लो, है ना। तो ये जो है पास्चन में इन थर्ड ऑर्बिट में हायर ऑर्बिट से आते हैं 4, 5, 6 है, ब्रैकेट में फोर्थ ऑर्बिट में आएंगे उससे हायर वाले से 5, 6, 7 से, पी फंड में इसमें भी एफ आता 5 है, ये 5 एफ से स्टार्ट होता, इसमें भी एफ है बीच में, है ना, तो फाइनल ऑर्बिट विल बी 5 एंड उसके ऊपर वाले ऑर्बिट से शिफ्ट होंगे इलेक्ट्रॉन्स इन 5 में आएंगे, एंड कैन बी 6, 7, 8 एंड सो ऑन। इसमें एनर्जी डिफरेंस कम होता है तो इंफ्रारेड में मिलते हैं, इंफ्रारेड में कम एनर्जी होती है ना, विजिबल से कम होती, और अल्ट्रावायलेट में विजिबल से ज्यादा होती है, विजिबल की अल्ट्रावायलेट से कम होती, दैट स्पेक्ट्रम यू नो। एनर्जी लेवल हम डिस्कस कर रहे थे ना, तो ये एन स्क्वायर से डिवाइड करते चले जाओ, है ना, एन टू पुट कर दो तो ये एनर्जी, एन थ्री पुट कर दो ये एनर्जी, थर्ड में फोर्थ में ये मिलेगी, लेस देन 1 भी होगी, माइनस में है सर, एनर्जी बढ़ती चली जा रही है, -13.6 है, सेकंड वाले में मोर एनर्जी है, -3.4 इज मोर, इसीलिए तो जब इलेक्ट्रॉन नीचे वाले में आता है तो हमें अल्ट्रा वायलेट रेंज में फोटोन मिलते हैं कि नहीं मिलते, एच न्यू फर्स्ट ऑर्बिट में जब आएंगे तो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी मोर है, है ना, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगी, जब इनफाइनाइट से आए, सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस हो, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो, वेवलेंथ शॉर्टेस्ट हो जाएगी, तो एन विल बी इनफाइनाइट, तो आर आर बाई 9
लैम्डा मिनिमम विल बी 9 बाय आर, आर की वैल्यू 10 टू द पावर 7 क्या, अगर ये याद नहीं है तो 10 टू द पावर 7 पुट कर दो तो यू विल गेट वेरी क्लोज आंसर। ठीक है, बाकी क्वेश्चन डायरेक्ट एनर्जी डिफरेंस के दिस वाज डन, ये डिस्कस हो गए थे, ये जो लाइन स्पेक्ट्रा वाज डिस्कस, दिस वाज आल्सो डिस्कशन। इसमें मैंने ये बताया था कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे निकालते हैं। ओके, पहले क्वेश्चन ये था कि 12.5 ईवी एनर्जी दी तो वो कितनी सीरीज, हाउ मेनी सीरीज ऑफ वेवलेंथ विल बी इमिटेड। तो 12.5 फर्स्ट एंड थर्ड का एनर्जी डिफरेंस निकाल के देखा।